दिल ने फिर याद किया। हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शीबा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के चेहरे के प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज दिल ने फिर याद किया मैं, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा की उस एक अदाकारा से जिनका न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहरी ममालिक के शायकीन भी बहुत दीवाने हैं। ये वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है। इनकी अदाकारी का कोई जवाब नहीं 1950 और 1960 की दिहाई में जो उन्होंने बहुत बड़ा स्टारडम हासिल किया। साथ में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। यस, हम मिलवाने वाले हैं आपको वेटरन एक्ट्रेस नन अदर देन निम्मी जी से। कितनी देर लगा जी तुमने। हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहद हसीन और जमील और बेहतरीन अदाकाराओं की फेहरिस्त में शुमार होती हैं अदाकारा निम्मी, जिन्होंने अपनी हर फिल्म में अदाकारी की एक नायाब छाप छोड़ दी और दूसरी अभिनेत्रियों के लिए एक मिसाल बनी। कई यादगार किरदार निभाए, आज भी अपनी बीती यादों के पन्नों को जब खोलती बैठती हैं तो दोबारा जी उठती हैं। हर बीते लम्हे में बस खुशियाँ तलाशती हैं। वो यादें जो अनमोल थी, उन लम्हों ने एतमाद जो जगाया था, इनके हुनर को पहचाना था, आंखों में वही मोहब्बत भरी चमक, बातों में खुलूस और अपनापन। निमी ने उम्र का लंबा सफर तय किया है पर इसे गिनतियों में नहीं लाया है और ना ही अपने हौसले को पस्त होने दिया है। पैदाइश नवाबानो के नाम से आगरा के एक मुस्लिम घराने में 18 फरवरी 1933 को हुई। इस अनमोल सितारे के जहन में फिल्मी सितारा बनने का ख्वाब कभी न था। अपने हुनर से बिल्कुल अनजान नवाबानो के सर से महज 10 साल की उम्र में मां का साया उठा। साल 1948 में महात्मा गांधी एसेसिनेशन के फौरन बाद नवाबानो के नाना ने फतेहबाद से नानी के हमरा निमी को मुंबई भेजा, चाची ज्योति के पास, जो खुद एक अदाकारा थी और उस दौर के मौसीकार और गुलोकार जीएम दुरानी की शरीक हया थी। दरअसल निम्मी की मां वहीदा 1930 की दहाई में फिल्मकार महबूब खान की फिल्मों में कई छोटे मोटे किरदार निभा चुकी थी, इसलिए महबूब खान उनके मुंह बोले चाचा भी थे। महबूब खान की फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी, निम्मी अपनी चाची ज्योति के हमरा शूटिंग देखने आई थी। दिलीप कुमार और राज कपूर के दरमियान सीन चल रहा था। दुनियावी चीजों से बेखबर मासूम सी निम्मी नरगिस की माँ जदन बाई के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी। राज कपूर की नजर उन पर पड़ी और बस वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। ऐसी ही लड़की की तलाश थी राज कपूर को अपनी फिल्म बरसात की सेकंड लीड के लिए। राज कपूर ने पास जाकर निम्मी से पूछा, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? निम्मी हैरान को नजरों से देखने लगी, 5 मिनट तक कुछ न भूल पाई। बतौर मेहमान अंदाज के सेट्स पर घबराई हुई नवाब बानू की ये इत्तफाकन वाली मुलाकात उन्हें निम्मी बना गई और आर के फिल्म्स की सुपरहिट फिल्म बरसात की हीरोइन बना गई। राज कपूर निम्मी के राखी भाई थे। दरअसल निम्मी राज कपूर से काफी घबराती थी, इसलिए राज कपूर ने एक मरतबा इस डर को दूर करने का रास्ता तलाशा। निम्मी के पास एक रंगीन धागा लेकर पहुंचे, कलाई आगे बढ़ाई और कहा, राखी बांधकर एक बहन का फर्ज निभाइए। बस मामला सुलझ गया। इलावा राज कपूर के निम्मी ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया जिनमें देवानंद भी है। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी सजा और आंधिया में खूब पसंद की गई। मेरी मिन्नत सौ सौ बार करे, गुपचुप गुपचुप प्यार करे। लेकिन जो कमाल दिलीप कुमार और निम्मी की जोड़ी ने पर्दे पर किया वो हमेशा यादगार रहेगा और यादगार है। दिलीप कुमार के साथ इन्होंने 5 कामयाब तरीन फिल्में की जिनमें आन, दीदार, दाग, अमर, उड़न खटोला जैसी फिल्में काबिले जिक्र है। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई। निम्मी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आन फिल्म की कहानी में इनका किरदार मंगला पहले ही खत्म हो जाता है, पर डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड थी कि एक ड्रीम सीक्वेंस पैदा किया जाए ताकि निम्मी की मौजूदगी फिल्मी पर्दे पर ज्यादा देर तक रह सके। निम्मी ने अपने फिल्मी करियर में कई कामयाब फिल्में की जिनमें बरसात के अलावा सजा,
आन, दाग, अमर, उड़न खटोला, भाई भाई, मेरे महबूब, आकाशदीप और कुंदन जैसी कुछ फिल्में काबिले जिक्र है। 1965 में निम्मी की शादी हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने मुसन्निफ एस अली रजा के साथ हुई, जिन्होंने अंदाज, मदर इंडिया, सरस्वती चंद्र, रेशमा और शेरा जैसी फिल्में लिखी। शादी के बाद निम्मी ने फिल्मों को अलविदा कहा। निम्मी अपने शौहर को कमाल अमरोही जैसे अजीम डायरेक्टर की तरह फिल्में डायरेक्ट करते देखना चाहती थी, पर ये ख्वाहिश ख्वाहिशी रही और 2007 में अली रजा इस दुनिया से कूच कर गए। निम्मी की आंखों में अपने शौहर के लिए बेपना मोहब्बत अभी भी इनकी भुजी भुजी सी आंखों को तर करती है। निम्मी निर्माता भी बनी, डंका नाम से एक फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की। निम्मी को खास तौर से वजनदार किरदार निभाना बेहद पसंद था, फिर चाहे वो सेकंड लीड ही क्यों ना हो। सौरा मोदी की कुंदन में सुनील दत्त के साथ दोहरे किरदार में माँ बेटी के किरदार में निम्मी नजर आई। खेल रही मेरी आशा तुझसे, तू है मेरा खिलौना, तू है मेरा खिलौना। और दूसरी तरफ पूजा के फूल में अंधी का किरदार निभाया। देख कर चला कीजिए। आकाशदीप में गूंगी का किरदार निभाया। कौन हो तुम? चुप क्यों हो? शंकर है घर में? अगर तुमने उसका नमक खाया है तो आज उसे मिल की तरफ मत आने देना। भले ही निम्मी ने अपने दीवानों को, अपने चहेतों को मायूस किया था बहुत जल्द फिल्मों से किनारा करके, पर वो यादें, वो सिनेमाई पल आज भी इनमें जिंदा दिली का एहसास जगाती है। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। कैसी हैं आप? मैं आपको कैसी लग रही हूँ? बहुत ही अच्छी, माशाल्लाह। थैंक यू कमाल की। वो बरसात के दिनों में जैसी आप थी, आपने देखी बरसात? जी, मैंने आपकी बरसात देखी। और बरसात के बारे में मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना भी चाहूंगी, आपको भी तो बहुत कुछ याद होगा। जब आप अंदाज फिल्म की शूटिंग देखने सेट्स पर गई थी, राज कपूर साहब ने आपको देखा था। उन्हें आपका वो शोखीपन और आपकी अदाएं, आपका शर्मीलापन बहुत भा गया था। उन्होंने सोचा कि अपनी जो नरगिस है वो तो ऑलरेडी लीड के लिए फाइनल हो गई है, तो दूसरी सेकेंड लीड में कौन सी लड़की, कौन सी हीरोइन उन्हें चाहिए। तो आप पर नजर पड़ी और आप साइन हो गई। हाँ, क्या यादें हैं आपकी पहली मुलाकात राज कपूर साहब के साथ, कैसी रही? मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी। हाँ, सिर्फ नाम जानती थी, बाकी किसी से कोई मेरी मुलाकात नहीं थी। और मगर कुदरत को जब कुछ मंजूर होता है तो उसके वैसे हालात हो जाते हैं। तो मैं वहाँ ऐसे ही खड़ी हुई शूटिंग देख रही थी। हॉल में बेल्कनी बनाई थी महबूब साहब ने जी, तो वहाँ कुछ सीन चल रहा था, तो मैं खड़ी देख रही थी। तो खुदा बख्श है, नरगिस की जो वालदा थी वो बैठी हुई थी जी। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, बिजिया बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? मैं बैठ गई। तो देखिए, जब कुदरत को कुछ मंजूर होता है तो वैसे ही कुछ हो जाता है, सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाती। राज कपूर साहब और नरगिस की वालदा की, वो क्या सभी बहुत इज्जत करते थे उनकी, तो उनके पैर छूने के लिए आए, तो मुझे देखा। शायद उनके पैर छूने ना आते तो मुझे इतने गौर से वो देखते भी नहीं। क्या बात है। पैर छुए, मुझे देखा और पूछा, लड़की कौन है? जद्दन भाई से जी। उन्होंने बताया, जब शूटिंग पैकअप हुई हम लोग सब बाहर आए, बाहर निकले, तो उतने टाइम में राज जी ने महबूब साहब से बात की होगी, पूछा होगा ये लड़की कौन है, क्या है जी। उन्होंने बताया होगा, मैं वापस आ गई। हाँ। नेक्स्ट डे एक ऑफिस बॉय आया और मुझे कहा, साहब बुला रहे हैं आपको। सोचा मुझे साहब क्यों बुला रहे हैं, यानी महबूब साहब बुला रहे हैं। उनका ऑफिस भी वही था, महबूब साहब का सेंट्रल स्टूडियो में ही जो बिल्डिंग थी वहाँ तीन रूम थे, वो उनका ऑफिस था। मैं ऊपर गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि राज जी भी थे, उन्होंने मुझसे कहा, इनको जानती हो? मैं तो नहीं जानती थी उनको। मैंने कहा, नहीं।
मैं नहीं जानती हूँ। ये राज कपूर हैं, ये पृथ्वीराज जी के बेटे हैं। मैं तो पृथ्वीराज जी को भी नहीं जानती थी जी। ये उन्होंने, महबूब साहब ने कहा ये तुम्हें अपनी पिक्चर में लेना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आया था, मुझे लेना चाहते हैं। बहरहाल एक सवाल हजार जवाब, पता नहीं मेरा दिमाग क्या चल रहा था। हाँ, दिमाग में वो मीटिंग खत्म हुई, मैं जहाँ रहती थी वहाँ आ गई। वो अपने जहाँ जाना होगा वहाँ चले गए। कोई एक हफ्ते के बाद वो कौन ड्राइवर था कि कौन था तो ऊपर आया, जिस रूम में हम लोग थे, साहब ने आपको बुलाया है, साहब मीन्स राज कपूर साहब। गाड़ी नीचे खड़ी है, चलिए। तो मेरे एक रिश्ते के भाई थे, उनको इसलिए ही बुलाया था कि मुझे अकेला नहीं जाना पड़े इधर उधर जी, ताकि तो गाड़ी में बैठे और वहाँ पहुँच गए। एक स्टूडियो था, मालूम हुआ मेरा टेस्ट लिया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा घबराई अंदर, क्योंकि मैंने सोचा ठीक है टेस्ट लिया जाएगा तो लिया जाए। मेरा मेकअप हुआ, फिर मेरा टेस्ट हुआ, लेकिन आई वॉज एक जैसे अनकॉन्शियस होता है ना इंसान, उस वो मेरी कैफियत थी। तो जब मुझे क्लैप्स की आवाज़ आई तो मैं, मुझे होश आया, मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, तालियां क्यों बज रही हैं? आपके लिए, आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया। बहुत अच्छा। खैर बाहर आए, उसमें एक तो एडवांटेज ये है कि मेरी ज़बान उर्दू है, तलफ़ुज़ बड़ा सही था। मैं यूपी की हूँ तो उर्दू बोल लेती हूँ। बहरहाल उसके बाद फिर कैसे क्यों कर मेरा काम शुरू हुआ। उसके बाद तीन गाने बरसात फिल्म के आप पर पिक्चराइज हुए, तीनों के तीनों सुपर डुपर हिट। जिया बेकरार है, चाय बहार है, आजा मोरे बाल मां, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, चाय बहार है, आजा मोरे बाल मां, तेरा इंतजार है। दूसरा गाना पतली कमर है, तेरे छी नजर है, उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट शॉट जो है। हाँ, आपको तो अब याद नहीं होगी, बरसात बरसों बीत गए जी, 1949 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। कि मुझे गाड़ी आते हुए नज़र आती है, मैं पहाड़ है उसके ऊपर हूँ, गाना ये बेकरार है, शायद बाहर है। गाड़ी नज़र आती है तो मैं समझ जाती हूँ कि इसमें प्रेमनाथ है। हाँ, तो आके मैं अपने ही रूम में अपनी दीवार के सहारे कुछ, खैर प्रेमनाथ आते हैं वो सीन होता है वगैरह वगैरह वगैरह। सो वो पहला सीन था जो उस फिल्म के लिए शूट हुआ था। कितनी देर लगा दी तुमने जी, वो पहला सीन है मेरा लाइफ का। वाह, लाइफ का पहला सीन है। कितनी देर लगा दी तुमने। खैर बाहर आए, उसके बाद फिर शूटिंग शुरू हो गई जी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि बड़ा कुछ मुश्किल काम है, वो कैसे करूं, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ लगा नहीं। मतलब आपको सब इजी लगा, सब ठीक लगा। शायद तभी इसी वजह से आप बहुत एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस रही हैं, बहुत इजी गोइंग रही हैं, आराम से डायलॉग जो है डिलीवर कर पाती है। थैंक यू, थैंक यू। बरसात की सुपर हिट के बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, एक के बाद एक ऑफर आती रही आपको। बरसात सुपर हिट हुई, उसके बाद से आन जी, आपने आन मेरी सेकंड फिल्म है। हाँ, आन जी मेरी सेकंड फिल्म है आफ्टर बरसात। आफ्टर बरसात, बरसात इज फर्स्ट एंड आन इज सेकंड। हाँ, और आन में दिलीप कुमार साहब आपके साथ थे। हाँ, और दिलीप कुमार साहब के साथ फिर आपने लगातार 5 फिल्में की। हाँ, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम फिल्में आपने दिलीप कुमार साहब के साथ की। हाँ, और सारी फिल्में हिट हुई साबित बॉक्स ऑफिस पर। और आन ऐसी पहली फिल्म थी
भारत की फर्स्ट इंडियन फिल्म जो टेक्निकलर में थी, टेक्निकलर उसका वो होली का गाना बड़ा फेमस है। देखो मेरे चुनरे का रंग सखी धानी है, हो न कहीं देना ये प्यार की निशानी है, मैं हूँ तेरे संग बलम तू है मेरे संग। और भी बहुत अच्छे गाने हैं। फिल्म ही अच्छी है, महबूब साहब ने बहुत अच्छी बनाई। महबूब साहब ने उस फिल्म में आपको कैसे अप्रोच किया, उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने कहा आन में दिलीप कुमार साहब के साथ आप नजर आएंगी, या दिलीप कुमार साहब ने कहा था कि नहीं निमी जी को इसमें मेरा को स्टार बनाइए, क्या सिचुएशन क्या हुई? महबूब साहब ने ये फैसला किया हुआ था कि वो मुझे आन में लेंगे, इससे पहले कि आन शुरू होती महबूब साहब डिसाइड कर चुके थे मुझे वो आन में लेंगे जी, और उन्होंने लिया मुझे आन में जी। अच्छा, इसका जो प्रीमियर हुआ, ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई, इसका लंदन में प्रीमियर हुआ था। हाँ हाँ, और बहुत सारे फिल्म मेकर्स हॉलीवुड के आपके दीवाने हुए थे, आपको ऑफर भी हुआ था फिल्मों का, लेकिन आपने मना किया था हॉलीवुड हाँ। की फिल्मों को, वजह क्या रही? मना क्यों किया था कि मैं बहुत ही पुराने ख्याल की थी, वहाँ हर फिल्म में किसीज ये वो सब चक्कर होता है ना हॉलीवुड में जी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। शायद तभी जब आपको हॉलीवुड के फिल्म मेकर ने आपका हाथ हाँ। लेने की ऐसे कोशिश की थी, जो ही उन्होंने चूमना चाहा था आपने पीछे हाथ किया था, और आपने कुछ कहा था, आई एम एन इंडियन गर्ल, हाँ मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ। तो उसके बाद आपको टाइटल दिया गया वहाँ पे अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। वेल, खैर दिलीप को याद है अभी तक? जी बिल्कुल, बहुत बड़े दीवाने हैं हम आपके। अच्छा मुझे ये बताएं, दिलीप कुमार साहब के साथ बहुत फिल्में आपने की, दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, उनके साथ आपका राबता कैसा रहा दिलीप साहब के साथ? बहुत अच्छा। दीदार हो, अमर हो, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं आपने उनके साथ, और सब सुपरहिट गाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। कुछ यादें हैं दिलीप कुमार साहब के साथ, चाहे वो दीदार फिल्म की हो या अमर फिल्म हाँ। या आन फिल्म की, कुछ यादें जो याद आ रही हैं आपको, दिलीप कुमार साहब आपकी अदाकारी देखकर कुछ कहा करते थे, या उनके साथ जो सीन्स हुआ करते थे बड़े इजी वे में होते थे? पता नहीं हाँ। एक सीन में मुझे भाग कर, शायद आपको अब याद नहीं होगा हाँ। भाग कर मैं ऊपर, बहुत बड़ा गेट है हाँ। मैं ऊपर पहुँच जाती हूँ तो यूसुफ दिलीप कुमार हाँ जी मेरे पीछे भागते हैं मुझे पकड़ने के लिए, वो आन फिल्म के लिए, आन फिल्म के लिए, वो होली वाला हाँ, गाना मगर, हाँ वो जी, मगर वो पकड़ नहीं पाते हैं, आपको याद है जी, वो पकड़ नहीं पाते हैं मुझको, तो उन्होंने चिढ़ कर महबूब साहब से कहा महबूब साहब इस लड़के को दोबारा मत लीजिएगा। हाँ बड़ी शरारती है, हाथ नहीं आती हाँ। बहरहाल आन में उनके साथ काम किया, लेकिन इट्स प्लेजर टू वर्क विद हिम। या ऑलवेज ऑलवेज। मुझे एक बात, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपकी जोड़ी बड़ी सक्सेसफुल रही, कामयाब साबित हुई, जैसे हम देवानंद साहब को ले लें, उनके साथ भी कई फिल्मों में किया ना जी, चाहे वो अशोक कुमार साहब हो, उनके साथ भी किया। और आपको याद है कि नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अशोक कुमार साहब के आप बचपन से ही फैन थे हाँ, लेकिन एज ए लीड उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला हाँ, बट एक गूंगी वाइफ का किरदार आपने हाँ, निभाया था हाँ, वो मुझे याद ही नहीं था जी हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं हमेशा से मुझे अशोक कुमार बहुत अच्छे लगते थे एज एन आर्टिस्ट जी, ये तो समझ नहीं थी मुझे आर्टिस्ट क्या होता है, मगर मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी मुझे, वेरी नेचुरल वेरी नाइस जी। दिल का दिया जला के गया, कौन मेरी तन्हाई में, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। गाने की बात करें, आपने कई फिल्मों में अपनी आवाज खुद दी है, आपको गायकी का बड़ा शौक था हाँ, किस तरह के गाने ज्यादा आपको पसंद आते थे? मैं हूँ ये प्यार की पहली निशानी, मैं हूँ ये प्यार की
पहली निशानी आंखों से आज कम मिलगी कहाँ हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना दुनिया बड़ी बेईमान ओ पिया दुनिया बड़ी बेईमान हमारे फिल्मों में आपने अपनी आवाज बख्शी है हाँ हाँ तो ये फिल्म मेकर्स का कहना था कि आपसे गवाएं या फिर आपकी खुद की चाह थी आपने रखी थी ये चाह कि मैं गाने खुद गाना चाहती हूँ अब इतने बहुत सारे साल हो गए हाँ अब कुछ याद है और कुछ नहीं याद है हाँ हाँ खुद गाना चाहती थी कोई गाना आपको इस वक्त याद है जो आपके दिल के बहुत करीब था आप ही की फिल्म का अगर कोई गाना ले लें तो जो थोड़ा सा दो वर्ड आप थोड़ा गुनगुनाएंगे मुझे अच्छा लगेगा अब तो खैर आवाज़ भी बहुत ख़राब हो गई है लेकिन अब ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या आपको बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुम ये तो से मिले मुझसे बिल्कुल नहीं गाया जाएगा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा मशहूर हाँ। मारूफ फिल्म मेकर बिया चोपड़ा जिन्होंने आपको कई बड़ी फिल्में दी जैसे वो कौन थी फिल्म है या साधना है आपने बिल्कुल करने से मना किया उसकी हाँ। वजह क्या रही इतना साथ कहाँ रहा उनका मेरा दरअसल हम लोग आन के आउटडोर शूटिंग में गए थे और वहाँ बंगला है ना गवर्नमेंट का जी वहाँ ठहरे हुए थे सब पूरा स्टाफ मैं दलीप कुमार वगैरह 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 तो मधुबाला कर रही थी ना काम इसमें अमर में कुछ आपस में कुछ बदमजी हाँ, हुई अनबन हुई थी हाँ जी तो वो दलीप कुमार ये पहुँचे वहाँ अपने बिया चोपड़ा तो भाई क्या करें उससे तो तुमने लड़ाई कर ली है बदमजगी है अब क्या करें तो मैं एक दरख्त के नीचे बैठी हुई मेकअप कर रही थी आउटडोर में सब ऐसे ही होता है जी तो दिलीप कुमार ने कहा चोपड़ा जी हीरोइन आपके सामने बैठी है आपको नज़र नहीं आ रही है वाह ओहो उन्होंने कहा निम्मी तो कहा अरे हाँ वो कहने लगे मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था वहाँ से ही वो मुझे साथ ले आए यहाँ बॉम्बे और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो भी कुछ पहले इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती थी कि कोई ख़ास कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट भी होता नहीं था बहरहाल उसमें काम किया उसमें भी है ना यूसुफ साहब दलीप कुमार हैं उसमें डार्क फिल्म थी दलीप कुमार ही ने सजेस्ट किया था उनको चोपड़ा जी को और वो उन्होंने मुझे दाग में लिया दाग में उनके साथ काम किया ये कैसी बोल रे दुनिया रीति कैसी बोल दुनिया बोल रे दुनिया बियाज चोपड़ा साहब चाहते थे आप उनकी अक्सर फिल्मों में रहे एज ए लीड बट आपने मना किया था रीजन क्या था वजह क्या रही कि आपने बाद की फिल्मों के लिए बियाज चोपड़ा को मना किया मना नहीं किया आपको किरदार पसंद नहीं आया था नहीं मैंने मना नहीं किया अच्छा हाँ गलत फहमी है किशोर दा के साथ भी आपने काम किया हाँ किशोर कुमार साहब उनके साथ भी किया जी वो उनकी पहली फिल्म मेरी मद्रास की थी फिर उनके साथ कई फिल्मों में किया जी किशोर कुमार साहब के साथ कुछ यादें आपकी हैं जो थोड़ी कुछ याद हैं कैसे रहते थे सेट्स पे और कैसी नोक जोक होती थी क्योंकि वो तो बहुत मजाकिया थे हाँ किशोर दा अच्छा मैं बहुत डर रही थी इनके साथ काम कैसे होगा इनके बारे में ये बातें करते हैं लोग लेकिन आई वॉज सो हैप्पी या तो उनको मालूम हो गया कि मैं डर रही हूँ ही वॉज सो गुड टू मी तो ज़रा सा भी मुझे कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं हुई कमाल और मेरे ख्याल में काम भी कुछ अच्छा ही हुआ है
बहुत अच्छा काम उनके साथ। नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल भर 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 भर। निमी जी आपके साथ हमारी ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। जरूर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के पार, कहीं मजा आइएगा। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, आप ही के चेहरे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। मैं आज हमें बीते लम्हों में लेकर जा रही हैं अपने दौड़ की सुपर स्टार निमी जी। आइए कुछ और बातें करते हैं। आपने जिन जिन एक्टर्स के साथ काम किया बहुत ही अच्छा काम किया, और सबसे ज्यादा आप बहुत खुशनसीब रही। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप ऐसा सोच रही हैं और ऐसा महसूस किया आपने। जी बिल्कुल, सब लोग पूरी दुनिया महसूस कर रही है, इसलिए पूरी दुनिया को आप याद हैं, आपके गाने इतने लोकप्रिय हैं। आप बहुत खुशनसीब रही है, आपको बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और दूसरी बात है बेहतरीन नगमे जो है वो आप पर पिक्चराइज हुए। भले ही आपने सेकंड लीड किया, लेकिन फिल्माए गए कई सारे बड़े बड़े नगमे आपके ऊपर। अगर अच्छा, हम बात भाई, करें भाई, तो मैं एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये थी कि अशोक कुमार भी साथ में थे और किशोर कुमार भी साथ में थे। बिल्कुल, अगर दिल में कोई बात है तुमसे चिंता हो। तुमसे डर लगता है मुझे। क्यों रे, इतनी बुरी सूरत तो नहीं है मेरी। आपको मौका मिला, आपने अंधी का भी रोल किया है, आपने गूंगे का भी रोल किया है। हाँ, है ना। तो अलग अलग तरह के किरदार आपने निभाए हैं, और ज्यादा आपको पसंद आया कि आप सेकंड लीड में काम करें। आपको क्यों ज्यादा पसंद आता था कि आप सेकंड लीड में काम करती थी, आपको मजा आता था, वो कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग रहते थे? अब मुझे ये भी याद नहीं है कि मुझे सेकंड लीड में काम करना पसंद था। आई स्वेयर आई डोंट रिमेम्बर। आपको याद है कि क्या आप बताना चाहती हैं कि आपने जितने भी किरदार निभाए उसमें से सबसे बेहतरीन किरदार कौन सी फिल्म का आपको लगा? एक तो देखिए, जब तक मुझे रोल जो कोई भी कहानी सुनाने आते थे, जब तक रोल मुझे बिदौल माई हार्ट जब तक मुझे पसंद नहीं आता था, मैं हाँ करती नहीं थी। और जब रोल पसंद आता था तो फिर मैं हाँ करती थी। जी, इसलिए मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद था। बिल्कुल सही। चूँकि आप एक मुस्लिम घराने से थी, और आपकी जो वालिदा है उनका भी फिल्मों के साथ अच्छा कनेक्शन था। हाँ। महबूब साहब के साथ उन्होंने कई फिल्में की थी 1930s में। सो वो कनेक्शन बहुत काम आया आपके। आपकी वालिदा ही चाहती थी कि आप फिल्मों में आए। आपका घर का जो नाम था, जिस नाम से आप पैदा हुई थी, वो नवाब बानो के नाम से पैदा हुई थी। तो निमी जी तक कैसे राज कपूर साहब ने निमी क्यों, आपने कभी वजह पूछी कि आप मुझे निम्मी जी? उनको निम्मी बहुत पसंद था, तो उन्होंने आपसे पूछा कि मैं आपका नाम चेंज करना चाहता हूँ? मैं, वो मेरे लिए इतनी अहम चीज़ से उस वक्त के पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी। अच्छा। कि आपने मेरा नाम क्यों चेंज किया? आपकी वालिदा के साथ कुछ यादें हैं? आपकी वालिदा बहुत सपोर्ट करती थी? जल्दी वो चली गई। हाँ, तो कोई खास याद? 11 साल की उम्र में ही शायद चली गई थी वो। और महबूब साहब बहुत चाहते थे आपको। हाँ, मुंह बोले चाचा। हाँ, बहुत। आपके हस्बैंड जो हिंदुस्तानी सिनेमा के बेहतरीन राइटर रहे, लेखक रहे, उनके साथ मुलाकात का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? अली रजा साहब के साथ। हाँ, उनके साथ महबूब प्रोडक्शन में ही उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद तो फिर फिल्में लिखी उन्होंने। जी, मेरी फिल्में भी लिखी जिनमें मैंने काम किया। He was a very good writer. Very good writer. मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने शादी की उनके साथ,
बल्कि ही वो द गुड राइटर। बाद में थोड़ा फिल्मों से किनारा कर लिया आपने, हाँ। क्या आप खुद चाहती थी कि या आपने सोचा नहीं अब घरेलू जिंदगी मुझे देखनी है, जबकि आपने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी? मैंने प्रोड्यूस भी की थी जी, जी। उसकी कोई खास वजह मुझे याद नहीं आ रही है। ओके, 1955 में एक फिल्म आई थी कुंदन, सोरा मोदी की, जी हाँ, न्यू कमर सुनील दत्त साहब के साथ, जिसमें आपने डबल रोल निभाया था। हाँ हाँ, कुछ यादें हैं उसके साथ जुड़ी? क्या मजा आया उस वक्त डबल रोल निभाने में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ज्यादा मेहनत तो नहीं थी उसमें? नहीं नहीं, नहीं। आपको बहुत इजी लगी है एक्टिंग, बहुत एंजॉय की है आपने एक्टिंग अदाकारी? जी। आपके को एक्टर्स की बात करें, जिन फीमेल एक्टर्स की, जिसमें मधुबाला, जिसमें नरगिस, और भी कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, सबके साथ आपने काम किया है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही है। हाँ, खास खास किन के साथ आपकी दोस्ती अच्छी रही? देखिए, अगर आप अच्छे हैं और बाखलाक हैं, अच्छे हैं और आपका एटीट्यूड अच्छा है दूसरों के साथ, तो वो खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। मेरे साथ मुझे किसी से कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई, कभी नहीं। आज भी मिलने के लिए आते हैं सब? हाँ, अपने दौर की सारी बड़ी एक्ट्रेसेस, वहीदा रहमान जी, आशा पारेख जी, सब लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। जी हाँ। जिंदगी में कभी कुछ किसी फिल्म को लेकर ये हुआ अफसोस कि ये फिल्म मैंने क्यों नहीं की? वो कौन थी आपने छोड़ी थी? वो कौन थी? हाँ हाँ, मुझे दुख हुआ उसको छोड़ने का। देट वॉज अ गुड फिल्म, अच्छी फिल्म थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, मेरा रोल बहुत अच्छा था। के आसिफ, मुगले आजम के बाद वो बनाना चाहते थे लव एंड गॉड। लव एंड गॉड, हाँ, गुरुदत्त साहब को लेना चाहते थे वो, और चूंकि बीच में गुरुदत्त साहब का इंतकाल हो गया, बाद में संजीव कुमार साहब को उन्होंने ले लिया, लेकिन बाद में वो जब रिलीज हुई तो 1986 में, लेकिन कुछ जमा नहीं मामला, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ अफसोस है उस बात का कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आपके जहन में काफी सारी चीजें थी, लव एंड गॉड जो है वो मुगले आजम की तरह बहुत सुपरहिट साबित। लव एंड गॉड के लिए आसिफ साहब न जाने क्या क्या करना चाहते थे, वो सब बताने के लिए बहुत वक्त की जरूरत है, लेकिन वो कर नहीं पाए आसिफ साहब, और वो फिल्म जिस तरह बनी बस बन बना कर रिलीज हो गई। आसिफ साहब जो चाहते थे वो कर नहीं पाए। आपने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, जिनमें चेतन आनंद साहब भी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो, चेतन आनंद, और उनके साथ मेरा काम भी मैंने सुना है, अच्छा हुआ है, चेतन के साथ, चेतन आनंद के साथ। यहाँ पानी मिलेगा बंद करना? हम चंडाल हैं जोगी, अछूत हैं। और कोई डायरेक्टर है जो आपको याद है, जिनके साथ बहुत अच्छा आपका रिश्ता रहा, बड़ा मजा आया काम करने में? देखिए, मेरा नेचर अजीब और गरीब है, मैं काम से ज्यादा अपना रिश्ता रखती थी, बाकी मतलब उसके अलावा कोई खास नहीं, इसलिए मतलब काम से ही रहा मेरा कनेक्शन जो है, वो काम से ही ज्यादा रहा। पूजा के फूल जो है उस फिल्म में भी आप दिखी, और उसमें एक अलग तरह का किरदार था, जैसे उस फिल्म में आप अंधी थी। अंधी थी, हाँ जी। शायद, हाँ, अब मुझे याद नहीं है, हाँ अंधी थी शायद। हाँ, मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, मियाओ मियाओ मेरी सखी। फिल्म उड़न खटोला 1955 की, उड़न खटोला, दिलीप कुमार साहब के साथ आखिरी फिल्म थी आपकी। उड़न खटोला शायद मेरी भी आखिरी फिल्म थी जी। उसके बाद फिल्मों से किनारा किया आपने? हाँ। कभी दिलीप कुमार साहब आपके पास आए और आपसे ये पूछा कि आपने किनारा क्यों किया फिल्मों से, कभी पूछने के लिए आए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आए। आपने जितनी भी फिल्में की हैं बेहतरीन रही है, आज भी इन फिल्मों को याद किया जाता है, आज भी नौजवान दिलों की धड़कन बने हुए हैं आप पर, जितने भी गाने फिल्माए गए हैं, अब बहुत खुशनसीब रही हैं कि इतनी बेहतरीन फिल्में आपको मिली हैं, भले ही सेकंड लीड आपने चुना, लेकिन वो सेकंड लीड भी अपने आप पे बिल्कुल मुकम्मल था, कंप्लीट था। मोरा
निम्मी जी आपके साथ ये बातों का सिलसिला बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बातों के सिलसिले को जरा सा विराम देते हुए थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चेहरे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में बीती कहानी आज बता रही है अपनी जुबानी अपने दौर की मशहूर और मारूफ अदाकारा जिनका पूरा आलम दीवाना है, जिनकी अदायगी अदाकारी लाजवाब बेमिसाल रही है, नन अदर देन निम्मी जी। आइए कुछ मजीद बातें करते हैं। एक कव्वाली है जो मुझे याद आ रही है, अल्लाह बचाए नौजवानों से अल्लाह बचाए, कुछ याद है? रंग रंगी है अब हम बात करेंगे धर्मेंद्र साहब और माला सिन्हा के साथ जो फिल्म आपने की। हाँ हाँ, पूजा के फूल में भी बहुत ही अच्छे गाने हैं। हाँ, मुझे दलीप कुमार दीदार में ब्लाइंड का रोल किया है उन्होंने, शायद आपको याद हो, दीदार बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सबसे मुझे ये तमन्ना थी कि मुझे कोई ब्लाइंड का रोल मिले, तो जब मुझे ये ऑफर आई ना आई वॉज सो हैप्पी, और मैंने कहा कोई शर्त नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वाह, पूजा का फूल, पूजा के फूल, राइट। वाह, अब मुझे ये नहीं मालूम कि काम कैसा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ? आज भी ये फिल्म याद की जाती है, क्लासिक कल्ट फिल्मों की श्रेणी में आती है ये फिल्म। देख कर चला कीजिए। देख सकते तो ठोकर ही क्यों लगती? अरे माफ कीजिए। वो कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ बड़ा अच्छा दोस्ताना था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वक्त गुजारना बड़ा अच्छा लगता था? नरगिस। नरगिस जी, पहली फिल्म है, सुपर फिल्म में मौका मिला उनके साथ काम करने का। शूटिंग के दौरान, बरसात की ही बात करें, शायद आपको याद हो कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान, चूंकि मैक्सिमम गाने, ज्यादातर गाने आप पे फिल्माए गए जो सुपर डुपर रहे, नरगिस और आपके दरमियान कौन से ऐसे सीन्स थे जो आपको बहुत ज्यादा याद है, या नरगिस ने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया या आपकी तारीफें की? हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और कोई किसी किस्म का, और काम भी आपने देखा ही होगा दीदार में, साथ बरसात। नरगिस के साथ बहुत अच्छी यादें होंगी जो सेट्स पे पेश आई होंगी, खूब सारी मस्ती, खूब सारा मजाक होता होगा। और किस तरह का मजाक होता था, क्या मस्ती होती थी आपकी खास दोस्त थी वो? मजाक तो होता ही नहीं था, सिर्फ काम। हाँ, काम और मोहब्बत आपस में जी। नरगिस को आप किस तरह की एक्ट्रेस मानती थी, क्योंकि वो भी एक अजीम एक्ट्रेस मानी जाती है, बहुत ही बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी है। आपसे पूछा जाए उनकी अदाकारी के बारे में, क्या कहना चाहेंगी? अदाकारा तो वो बहुत ही अच्छी थी, शी वॉज टू गुड, बहुत अच्छी थी। बाकी बाई नेचर ऑल्सो फ्रेंड भी बहुत अच्छी थी, वेरी गुड फ्रेंड। बहुत ही अच्छा लगा निम्मी जी आपके साथ बात करते हुए। कुछ और याद आ रहा है आपको जो आप कहना चाहती थी? आपको एक बार और आना पड़ेगा। जी जरूर जरूर, आइए एज अ फ्रेंड जी, एक दोस्त की हैसियत से आइए और रहिए मेरे साथ। जरूर। उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बातों में बात निकलती चली आती। कभी जिंदगी में ऐसा रहा कि आपने फिल्में करनी क्यों छोड़ दी, उसकी वजह कभी आपके जहन में आई, आप कहना चाहती हैं फिल्में करनी बाद में फिल्में क्यों छोड़ दी? एक तो जिनके साथ मेरी शादी हुई, अली रजा साहब जी, वो यूपी के थे और यूपी बहुत ऑर्थोडॉक्स जगह है, तो
उनके सिलसिले में और उनके घर वाले भी पेरेंट्स उनके रिलेटिव्स वगैरह वो लोग भी ऑर्थोडॉक्स थे, उस सिलसिले में फिल्में छोड़ दी। तो अली रजा साहब ने कोई प्रेशराइज वगैरह नहीं किया? नहीं नहीं, उन्होंने कभी फोर्स भी नहीं किया कि फिल्म छोड़ो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपका खुद मन किया कि फिल्में छोड़नी चाहिए। सोहराब मोदी साहब के साथ कुछ यादें याद हैं आपको? कुंदन फिल्म जिनके साथ याद आ रहा? फिल्म की याद आ रहा आपको? साथ पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था सोहराब मोदी साहब के साथ कैसे होगा, सुना है वो तो बहुत उनके बारे में बहुत तरह तरह की बातें करते थे लोग, मगर शुक्र है उसका उनके साथ भी कोई बदमजगी नहीं हुई, बल्कि ही वॉज वेरी हैप्पी, मेरे साथ काम करके बहुत खुश थे वो। डबल रोल जो आपने किया था। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, आप आइए ना एक दिन, आ जाइए, मुझे टेलीफोन करिए। बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करते हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप आइए ना। हाँ जरूर आएंगे आपसे और मुलाकात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको वेटरन एक्ट्रेस मशहूर मारूफ अदाकारा लेजेंडरी एक्ट्रेस निमी जी के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर sheeba.lateef@nw18.com पर। एक नई याद के साथ हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हाँ अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हो जाइए, अच्छी फिल्में हमें काफी कुछ सिखाती हैं। खुदा हाफिज एंड बाय फॉर नाउ। दिल ने फिर याद किया।